सर्कुलर वाला क्या होता है, सर्कुलर डोमिसाइल, सर्कुलर डेट होता है। अच्छा वो क्या होता है? डोमिसाइल में नहीं, ईडब्ल्यूएस या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट में लगता है। तो सर्कुलर डेट वाला ही चाहिए, कोई भी ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट, वो सर्कुलर डेट से पहले वाला होना चाहिए, बाद वाला नहीं। सिर्फ आधार कार्ड, दो फोटो, अगर आप 10th भरे हैं सर्टिफिकेट में फॉर्म भरते टाइम, तो बस 10th का रिजल्ट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 में अभी पीटी और मेडिकल चल रहा है, तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, पीटी में कौन से लेके जाना है, मेडिकल में कौन से लेके जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे ज़रूरत पड़ रही है उन सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा आप देखना लास्ट तक, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा मैं बताऊंगा और कौन से डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो टाइप से यानी कि फिजिकल और मेडिकल दोनों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट फिजिकल में कौन सा लेके जाना है और मेडिकल में कौन सा लेके जाना है उस पर बात करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं फिजिकल की बात, जो कि पहले फिजिकल हो रहा है, उसके बाद मेडिकल और DB एक साथ हो रहा है, तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है और फिजिकल में कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल में डॉक्यूमेंटेशन, जो भी फिजिकल में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो भी है आपका वो आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसमें से आपके पास जो भी है वो लेकर जाना है। यदि आधार में कुछ भी एरर है तो आप साथ में वोटर आईडी कार्ड सबके पास रहता है, वो आप लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात आती है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो कि कलर फोटोग्राफ के साथ आपको वहां पे लेके जाना है, और आपके पास पुराना जैसा लग रहा है तो फ्रेश आपको एडमिट कार्ड लेकर वहां पे जाना पड़ेगा। उसके साथ आपको 3 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है। यहां पे आपको आगे ज़्यादा भी लगेंगे बट कम से कम PT के लिए 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी अप्लीकेबल स्टूडेंट हैं उनको हाइट रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना पड़ेगा, जो अप्लीकेबल हैं जैसे कि SC ST जो भी हैं उनको सेंट्रल फॉर्मेट का ये लेकर जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद चेस्ट रिलैक्सेशन की बात करते हैं, सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो वो यदि जो भी अप्लीकेबल हैं उनको भी सेंट्रल फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। तो इतना चीज़ आपको ले जाना है कहाँ पर, PT PST में। PT PST में ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। फ़ोटो वैसे भी आप 10-12 लेकर जाना, क्योंकि फ़ोटो ज़्यादा नहीं लगता है, 1-2 लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब आप PT देने जाओगे तो वहाँ सबसे पहले एक फॉर्म आपको भरवाया जाएगा, उस फॉर्म पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, एक फ़ोटो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो 2 फ़ोटो मिनिमम लगता है। फिर भी आप 3 कलर पासपोर्ट साइज एकदम फ्रेश फ़ोटो, जो कि थोड़ा एडमिट कार्ड से मिलता जुलता हो, या फिर आपने एडमिट कार्ड में जो भी फ़ोटो दिया था वही फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास बहुत सारे हैं तो वो भी आप इसमें यहाँ पे ले जा सकते हो। तो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए इतना ही चाहिए। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि यदि आप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है। अब चलते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अब हम बात करते हैं मेडिकल या फिर DB डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगने वाला है, बिकॉज आपका PT में ज़्यादा कुछ चेक नहीं होता, सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी जो भी है या PT PST वो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल के बाद आपका DB होता है, तो पूरा ऑल डॉक्यूमेंट जिस स्तर पे आपने फॉर्म भरा है उस स्तर पे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड, जो कि कलर लेके जाना है आपको, कलर एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, और PT और DME यानी कि PT में जो भी आपका एडमिट कार्ड आया, ठीक है, आपको लेकर जाना है, क्योंकि दोनों का इस बार एक ही एडमिट कार्ड है, इसलिए आपको सिर्फ एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, तो दोनों का आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब 8 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे 5-6 फोटो लग सकते हैं, वहाँ पे मांगा जा सकता है, लेकिन आप कम से कम 8 कलर फोटोग्राफ लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको एक ले जाना है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, आपके पास DL ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, वो भी आप यहाँ पे ले जा सकते हो।
उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे टेंथ या फिर ट्वेल्थ हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास, आपने टेंथ स्तर पे भरा या फिर ट्वेल्थ स्तर पे या फिर उससे ज़्यादा, तो वो सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो आपको लेकर जाने पड़ेंगे। यानी कि टेंथ जो है वो तो ले ही जाना पड़ेगा, उसके साथ ट्वेल्थ आपने ग्रेजुएशन किया है वो भी, या फिर कोई डिप्लोमा किया है वो भी आप साथ में लेकर जाना, ताकि आप अटैच वहाँ पे करते हो तो कल को प्रमोशन में आपको ज़्यादा सहूलियत दी जाएगी, क्योंकि आपका हायर एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन के कारण आपको प्रमोट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए, और ये आप जहाँ पे, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप कहीं और का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के नहीं ले जाइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आप जहाँ पे आपका एड्रेस प्रूव है वहाँ का आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। आप दूसरी जगह का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं ले जा सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको सेंट्रल का चाहिए, जैसे कि ओबीसी वाले या फिर एससी वाले या फिर एसटी वाले, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो सेंट्रल फॉर्मेट में यहाँ पे ले जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनसीसी फॉर्मेट। तो जो भी लड़के या फिर लड़कियाँ एनसीसी किया है, ठीक है, एनसीसी किया है, उनके पास सी सर्टिफिकेट है या फिर बी है या फिर ए है, इन तीनों सर्टिफिकेट में जो भी है वो आपको यहाँ पे लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट में लगभग 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, और बी जिनके पास है उनको 3 मार्क्स और ए जिनके पास है उनको 2 मार्क्स कहा जाता है कि दिया जाएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप लेकर जा सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। अब यहाँ पे आप देखते हो प्रॉब्लम क्या होती है डॉक्यूमेंटेशन में, सबसे बड़ी समस्या ये है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आधार कार्ड नाम या फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस एरर। आपके आधार कार्ड में कुछ भी एरर है या फिर आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है तो आप चेंज करवा सकते हो। यदि 1 महीने से कम का टाइम है तो चेंज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आधार का ऑप्शन रहता है कि 1 मंथ के अंदर आपका होगा चेंज, तो कभी कभी 1 मंथ से ज़्यादा भी ले जाता है। इसीलिए आप या तो 1 महीने से ज़्यादा है तो चेंज करवा लो, या फिर 1 महीने से कम है तो चेंज नहीं करवाओ। आप आधार के साथ क्या फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी इधर है इसमें, तो उसके साथ एक अलग अपना आईडी ले जाओ, जैसे आधार में दिक्कत है, ठीक है, आधार में दिक्कत है, उसके अलावा वोटर आईडी ले जाओ जिसमें नाम सही हो, या फिर पासपोर्ट है आपके पास तो वो ले जाओ, या फिर आपका DL है, DL में सही नाम है तो वो आप यहाँ से ले जा सकते हो इसके बदले, ताकि आप बता सको कि आधार कार्ड में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये तीनों सही है या फिर ये दोनों सही है सर, तो वहाँ पे आपको मैनेज कर लिया जाएगा, वो सेंटर पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे उसके साथ 10th और 12th सर्टिफिकेट नेम या फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, इडर। किसी किसी का 10th में सर्टिफिकेट में नेम इडर है, किसी का 12th सर्टिफिकेट में इडर है, या फिर अलग अलग जगह पे, या फिर किसी के नेम में एक स्पेलिंग, ठीक है, नेम में स्पेलिंग गलत है, तो वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम में हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड, तो कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड है जिनका, वो भी अपना नया, जिनके पास टाइम है तो बनवा सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओल्ड है वो भी बनवा सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है, यदि आपका आधार में प्रॉब्लम है या फिर सर्टिफिकेट के नाम में प्रॉब्लम आ रही है या फिर दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले एफिडेविट आप उसका ले जाओ। एसएससी जीडी का एक एफिडेविट फॉर्मेट आता है, वो आप वहाँ पे ले जाके आप बता सकते हो कि सर इसमें मेरा गलत हो चुका है, या फिर नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, तो उसके लिए मैंने एफिडेविट बनाया है। तो यदि आप एफिडेविट बना लेते हो यहाँ से, ठीक है, तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, कौन सा फॉर्मेट आपको लगाना है कास्ट सर्टिफिकेट में, उसके बाद कौन सा चेस्ट या फिर आप हाइट के लिए कौन सा छूट लेते हो, यदि सॉरी हाइट में या फिर चेस्ट में छूट लेते हो उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगाना है, एनएक्सचर लगाना है उस पर। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैं मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हो DME उसके लिए आपको लेकर आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पारा नंबर 12.6.11 में आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे पहले ये कहा गया है। उसके बाद पारा 1.2 में हम देखते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि PRC इशूज बाय कम्प्लीटली
कंपटेंट अथॉरिटी के सामने, ठीक है। 1.3 में है वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, यदि आपके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो आप लेके जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद पारा 1.4 में देखते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट, तो जो भी डिफेंस पर्सनल में है या फिर जो बच्चे आते हैं वो NX4 जो 4 है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्चर फ्रॉम एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं उनको एनेक्चर 5 लेकर जाना है। उसके बाद आप देखते हैं 12.6.1.6 में कास्ट सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल, यदि आप अप्लीकेबल हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, जैसे ओबीसी एससी एसटी में बिलोंग करते हैं, इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एट एनेक्चर 6, 7 and 8, ये तीनों फॉर्मेट आपको ले जाना है यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट में रिलैक्सेशन चाहते हो। यहाँ कहा गया है ऑफ द नोटिस फ्रॉम द कैंडिडेट सिंग रिजर्वेशन या फिर एज रिलैक्सेशन, आप रिजर्वेशन चाहते हैं या फिर उम्र में छूट चाहते हैं तो ये आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद कहता है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु विश द अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड एंड एनेक्चर 9 ऑफ द नोटिस, तो एनेक्चर 9 आपको क्या करता है कि हाइट और चेस्ट मेजरमेंट में आप छूट प्राप्त कर रहे हैं या फिर रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो एनेक्चर 9 लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट द डिपेंड अप्लीकेंट, यहाँ पे कह रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू भी आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, उनके लिए एनेक्चर 12-13 दिया गया है, उसको आप छोड़िए। अब इस पीडीएफ में, यानी कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, इस पीडीएफ के लास्ट में जो दिया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये जो एनेक्चर है यहाँ से आप देख सकते हो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर द वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी रेसिडेंसिंग रेसिडाइंग इन द यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, ये तो उनके लिए है, एनेक्चर 12 था ये, हाँ। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ मिलिटेंसी या फिर नेशनल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से जो भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, इस टाइप से जो जहाँ भी हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है जो फॉर्मेट है, और ऊपर होगा, मैं आपको फॉर्मेट पे लेकर चल रहा हूँ सीधा। हाँ, एनेक्चर 9 यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्रॉम द सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए, तो ये आपको फॉर्मेट लेके जाना पड़ेगा जो कि पीडीएफ में, ऑफिशियली पीडीएफ में है, आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजन मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार से सिग्नेचर है, यहाँ पे मांगा गया है, डेट पहले से आपको भरना है, ठीक है। ये एनेक्चर 9 था, आगे देखते हैं कौन सा एनेक्चर मेरे पास है, तो ये एनेक्चर 8 ये है, ये भी है, इनकम या एसेट सर्टिफिकेट टू बी रिकॉर्डेड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, उनको ये फॉर्मेट ले जाना जरूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं कौन सा एनेक्चर है मेरे पास, एनेक्चर 7 है, यहाँ पे कहा गया है फ्रॉम द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि ओबीसी के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा है, एनेक्चर 6 दिया गया है फॉर्मेट ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट, जो कि मैंने पीछे भी बताया कि एससी वालों के लिए एनेक्चर 6 लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपेंडिक्स B5 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एनेक्चर 5 है परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड पर्सनल के लिए, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो बस इतना ही सर्टिफिकेट है जो कि आपको लेकर जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।